सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी हमिदी सेल्फ लव हो ही नहीं पा रहा हम कितनी भी कोशिश कर लें, अफर्मेशन कर लें फीलिंग नहीं आती हम सेल्फ टॉक कर लें, फिर वापस से नेगेटिव हो जाते हैं मेडिटेशन कर लें, मेडिटेशन में मन नहीं लगता इतनी कोशिश कर ली बट सेल्फ लव हो ही नहीं पा रहा अब क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है तो देखो मैंने तो पहले ही बोला था ऐसी कोई चीज है जिसका सोल्यूशन इस दुनिया में नहीं बना तो आज मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही हूं जो इस चीज को फेस कर रहे हैं लाइक like, फीलिंग नहीं आती खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते अभी भी सेल्फ डाउट लो सेल्फ स्टीम इन सारी चीजों को फेस कर रहे हैं पहले तो थोड़ा सा मैं आपको रियलाइज करा के देखू कि आप ये सोच के देखो कि आपने किस लेवल का खुद को यू you नो know, सप्रेस किया है खुद को हर्ट किया होगा या खुद को इतना अंडर एस्टिमेट किया है कि आपके कोशिश करने के बावजूद आपकी सोल आपका इनर वो चीजें फील नहीं कर पा रहा <coughs> यहां पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दू यानी कि आपने किसी पर्सन को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया इतना ज्यादा हर्ट कर दिया कि अगर आप उससे अच्छी बातें भी कर रहे हो उसे मनाने की कोशिश भी कर रहे हो फिर भी उसको आपकी बातों में कोई फीलिंग नहीं लग रही कोई सच्चाई नहीं लग रही तो यही गलती हो रही है हमसे सेल्फ लव शुरू कर दिया है मतलब सेल्फ लव uh, के बिना कुछ है नहीं जैसे जैसे हम सुनते हैं आप एक बार अपनी सिचुएशंस को रिमाइंड करें कि आप कैसी फैमिली में बड़े हुए हैं फैमिली तो सबकी बहुत अच्छी होती है मेरे कहने का मतलब है कि क्या आपको टॉन्टिंग uh, uh, सुनने को मिली है लाइक बॉडी शेमिंग या आपको बहुत ज्यादा कंपेयर किया गया हो किसी के साथ या आपको बहुत ज्यादा यू you नो know, फिजिकली बहुत ज्यादा कंपेयर किया गया हो या आपको बार बार कुछ ना कुछ बोला गया हो इस टाइप की अगर आपकी सराउंडिंग्स हैं और या फिर खुद आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो उसके बाद आपने खुद को बहुत ज्यादा यू you नो know, तकलीफ दी हो हर्ट किया हो तो यहां पे वो पर्सन कोई और नहीं आपकी सोल है अब आपने उसे इतना हर्ट किया है और आज भी कहीं ना कहीं कर रहे हो कि वो मानने के लिए रेडी नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हो आप उनको एक्सेप्ट करते हो आप उनके साथ बहुत हैप्पी फील करते हो ये मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पिछले बीस सालों से बाईस सालों से पच्चीस सालों से तीस सालों से या आपकी जो भी एज है आपने सिर्फ उनको हर्ट किया है और अब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सिर्फ दो दिन के अंदर या चार दिन के अंदर या छह दिन के अंदर वो हमें फीलिंग आ जाए विद आउट फॉरगिवनेस मतलब आपने किसी पर्सन को अगर नाराज किया है वो आपसे बहुत नाराज है एंड आप जाते ही और वो बहुत दिनों से यू you नो know, सोचो वो इंसान खड़ा हुआ है और जाते ही आप क्या कहते हो आई लव यू आई लव यू अनकंडीशनली आई एक्सेप्ट यू आई आप सोचो ना उसका क्या रिएक्शन होगा वो खड़ा खड़ा सिर्फ आपको देख सकता है क्योंकि मतलब आपकी बातों पे उसे विश्वास ही नहीं होगा क्योंकि पहले आपने वहां पे ना कभी अपोलाइज किया ना आपने वहां पे माफी मांगी कुछ नहीं किया यही सेम सीन होता है हमारी सोल का आपने उसे इतना हर्ट कर दिया इतना ज्यादा हर्ट कर दिया कि अभी उसको आपकी बातों पर थोड़ा ऐसे होता है कि यकीन करूं या ना करूं तो हमें पहले उसको उससे हमें माफी मांगनी होगी यानी कि हमें खुद को ही फॉर यू करना होगा आपको लगता है सिर्फ आप एक पर्सन हो आपकी सोल को अगर आप ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दो कि आपके साथ इस दुनिया की सबसे प्रीशियस यू नो चीज रहती है आपकी सोल सच में सबसे प्रीशियस है उसके बिना तो कुछ है ही नहीं और आप अपने आप को ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दो ना कि आ, आपके साथ एक दुनिया का सबसे प्यारा इंसान रहता है तो यहां पे जरूरत पड़ेगी आपको डीप Forgiveness की या डीप हीलिंग की और आज की जो वर्कशॉप है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो ना खुद को माफ कर पाते हैं ना दूसरों को माफ कर पाते हैं मतलब आप खुद को भी बहुत ज्यादा हर्ट किए हुए हैं और उन रिश्तों में भी इसलिए दरार है इसलिए चीजें बेकार हो गई हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं हमने माफ नहीं किया है तो आज साढ़े तीन बजे से है अगर अभी भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन कराएं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है दो बजे से पहले पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दो बजे से पहले पहले आप लोग करा लेना और क्योंकि लिंक मिल जाएगा दो बजे जूम का उसके बाद फिर साढ़े बजे से हमारी हीलिंग जो है वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी और इतनी छोटी अमाउंट की ये लास्ट वर्कशॉप है क्योंकि इसके बाद फिर मेरा परसों ही मैंने वीडियो डाला था अपकमिंग प्रोजेक्ट का वो आ रहा है उसके बाद फिर देखना है एक इंसान खुद को माफ नहीं कर पा रहा वो दूसरों को कैसे माफ कर सकता है और जो दूसरों को माफ नहीं करोगे जब तक एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं सकती कि जो नेगेटिव एनर्जीज अभी एक्सचेंज हो रही है वो ठीक नहीं हो सकती यही रीजन है कि आप सारी कोशिशों के बाद भी सेल्फ लव कर नहीं पाते

क्लीन करना होगा और देखा जाए तो हम घर में एंटर करने से पहले पूजा कराते हैं है ना गृह प्रवेश होता है या मोमडेंट्स की बात करूं तो कुरान खानी कराते हैं वो क्या हो गया उस घर के लिए ग्रेटिट्यूड हो गया और वो जो सफाई हो गई एक तरह से टूल सोचो कि हमारी सोल की जाए फॉरगिवनेस उसके बाद आप जैसे चाहे वहां पर रह सकते हैं वहां की एनर्जी भी आपको अच्छी लगेगी यही यही रीजन हो रहा है अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखना कि क्या यही चीजें आपके साथ नहीं हो रही क्योंकि पर्सनल काउंसलिंग्स पे मुझे समझ में आता है कि कहां पे आप लोग यू नो किस पार्ट को आप स्किप कर देते हो वो वाली चीज समझ में आती है सो so, आज की वर्कशॉप में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन एंड रेडी रहो सेलिब्रेशन के लिए क्योंकि मनी uh, वर्कशॉप में लाइव मेरेकल हुआ था उसके बाद काफी सारी सक्सेस स्टोरीज आई थी और रिलेशनशिप uh, और सेल्फ लव ये एक ही मतलब सिक्के के दो पहलू हैं और ये मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हैं तो आज की रिलेशनशिप वर्कशॉप में भी बहुत बड़े बड़े मेरेकल्स होंगे और आप सब लोग उसको ज्वाइन करिएगा और अपने लिए टाइम निकालो क्योंकि आप जिन चीजों के पीछे आज भाग रहे हो जिन चीजों पर आज आप टाइम दे रहे हो वो इसलिए दे रहे हो ताकि जिंदगी में सुकून आए और जिंदगी में खुशियां आए यानी कि फैमिली को बच्चों को जॉब को ऑफिस को लेकिन वही कही ना कहीं कहीं तो मिसिंग तो सब, तो सब लोग मिलते हैं मिलकर वो मिराकल हमें क्रिएट करने हैं वो एनर्जी हमें क्रिएट करनी है कि हमारे सारे रिश्ते खुद के साथ साथ हमारे बाकी सारे रिश्ते भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग हो जाए और जिसके रिश्ते पॉजिटिव और होता है हैं वो इंसान सबसे ज्यादा ग्रो करता है लाइफ में क्योंकि वो मेंटली स्टेबल रहता है ये इस चीज से आप रिलेट करोगे और लड़की तो ज्यादातर करेंगे क्योंकि लड़कियों के लिए क्योंकि वो बहुत नेचर ने लड़कियों को बहुत सेंसिटिव बनाया है और इसलिए उनके लिए जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है नेचुरल है तो चाहे मैरिड है चाहे अनमेरिड है दोनों ही फेजेज में रिलेशनशिप्स का हेल्दी होना पेरेंट्स का सपोर्टिव होना या इन लॉज का सपोर्टिव होना या मतलब हमारे आसपास के लोगों का हमारे लिए यू नो पॉजिटिव होना हमारी एकदम से एनर्जी को बदल देता है और जैसे ही हमारी एनर्जी बदलती है हमारी अपने आप हमारी चीजें यू नो हमारी लाइफ